तालियों के साथ और खड़े होके विद स्टैंडिंग ओवेशन हम स्वागत करेंगे हमारे आज के मुख्य मेहमान असेंबली स्पीकर मिस्टर ज्ञानचंद गुप्ता जी एंड आईएएस मिस्टर विनीत गर्ग एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा. जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं, तालियां बजती रहे फॉर मिस्टर ज्ञानचंद गुप्ता जी. अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से आज इन्होंने वक्त निकाला और हमारे बीच यहाँ पे शिरकत किया है, उसका आगाज कर मेहमान के लिए. I would like to call our honorable industrialists to kindly come up on the stage and begin with their presentations. First of all, सबसे पहले मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी मिस्टर लोकेश मित्तल को टू काइंडली कम अप ऑन द स्टेज. आप सभी की तालियों के साथ मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर लोकेश मित्तल. एक बार जरा जोरदार तालियां हो जाए फॉर मिस्टर लोकेश मित्तल. जोरदार तालियों के साथ हौसला अफजाई करते हैं इनकी. टू बी ऑन स्टेज, थैंक यू ऑल. हमारा कोर बिजनेस है सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का. हम लोग डिफरेंट क्लाइंट के लिए काम करते हैं, NHAI, डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. अभी हम लोग काम कर रहे हैं हाई स्पीड रेल मुंबई टू अहमदाबाद, जो 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन रन होगी. डिफरेंट वर्टिकल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, हाईवेज, फोर लेनिंग ऑफ हाईवेज, रोड्स एंड ट्रेड कॉरिडोर्स, रेलवेज के डिफरेंट रेल ओवर रेल ब्रिजेस बना रहे हैं, कई जगह बना चुके हैं. 3 किलोमीटर लंबा हमने एक ब्रिज बनाया है सासाराम में, बिहार में. अभी हमने एक नया वर्टिकल चालू करा है MG पेट्रोकेम के नाम से, इथेनॉल. इथेनॉल के बारे में आप लोगों ने काफ़ी टीवी में और गडकरी साहब की स्पीचेस में सुना होगा. वो लोग काफ़ी बात करते हैं कि हमें 85% क्रूड ऑयल, जो इंडिया की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, और उसकी जो कमर्शियल वैल्यू है वो 15-16 लाख करोड़ है. तो उसी संदर्भ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इंडस्ट्री को प्रमोट करा है, जिसमें इथेनॉल, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, हाइब्रिड व्हीकल्स, हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स, ये सारे उसी दिशा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चालू करे हैं. हमारी कंपनी ने बायोफ्यूल सेक्टर चूज करा है. बायोफ्यूल के जो एडवांटेजेस हैं कुछ मैं बताना चाहूंगा. इथेनॉल को हम पेट्रोल में मिक्स कर सकते हैं. इसकी जो मात्रा है अभी एट प्रेजेंट, जो हम गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं, उसमें 10% है. अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका टारगेट 20% करा है 2025 तक. तो जो इंडिया की टोटल रिक्वायरमेंट है इथेनॉल की, वो 1000 करोड़ लीटर है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए. अभी जो इंडिया में प्रोडक्शन है वो 450 करोड़ लीटर है. तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है जो इथेनॉल इंडस्ट्री को प्रमोट करेगा. और इसकी जो फॉरेन एक्सचेंज जो हम लोग सेव कर रहे हैं, अराउंड 50,000 करोड़ 10% ब्लेंडिंग से सेव कर रहे हैं, जो कि 1 लाख करोड़ के करीब हो जाएगी जब हम 20% ब्लेंडिंग इथेनॉल में, पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स करेंगे. सेकंड है, ये काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है. इट इज़, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं हमारी सिविल इंजीनियरिंग साइट की. इसमें ब्रिज लॉन्चिंग का काम चल रहा है. ये 91 मीटर स्पैन है रेल फ्लाईओवर प्रोजेक्ट सासाराम में, बिहार में. बता रहा था आपको बायोफ्यूल की. तो इसमें सेकंड है, ये इट इज वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली. जो स्टडीज आई हैं उसमें 80% लेस पोल्यूशन होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल गैसोलीन और पेट्रोल. इट प्रोड्यूसेस लेस कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोस ऑक्साइड, सल्फरस डाइऑक्साइड, जो हमारी कंट्री का टारगेट है नेट जीरो बनने का 2070 तक, उसको ये अचीव करने की कोशिश करता है. एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज,
इट इंक्रीजेज द फार्मर्स इनकम। जो 1 लाख करोड़ गवर्नमेंट इथेनॉल परचेज करने के लिए स्पेंड कर रही है, वो पैसा जो है अल्टीमेटली फार्मर्स पे जाएगा, तो उनको ये इकोनॉमिकली सपोर्ट करता है। जिसी वजह से इसको किसान को हम अन्नदाता से ऊर्जादाता वो बनने वाले हैं। अभी रिसेंटली इंडियन ऑयल ने एक 3000 करोड़ का प्लांट पानीपत रिफाइनरी में लगा रहे हैं, जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को प्रमोट करेगा। इसमें आप इथेनॉल से एविएशन फ्यूल बना सकते हैं, और जो आपको एयरलाइन इंडस्ट्री में यूज होएगा। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं हमारे प्रोजेक्ट की। प्रदेश में प्रोजेक्ट करा था जो टाइम से पहले हमने खत्म करा था। माधव गौशाला है जो मेरे पिताजी रन करते हैं, अगरसेन चैरिटेबल ट्रस्ट, ये भी कुछ सीएसआर एक्टिविटीज हैं जो हमारी कंपनी इन्वॉल्व है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में हमने कंट्रीब्यूट करते हैं हर साल। तो मैं इथेनॉल के बारे में बात कर रहा था, जो मेरी फील्ड है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो इथेनॉल बनाने के लिए जो हम लोग इसमें स्टीम और पावर यूज होती है, जो जिसके लिए हमने एक बॉयलर लिया है चीमा बॉयलर से। जो इस प्रोजेक्ट की यूनिकनेस ये है कि वो जो बॉयलर है वो पैडी स्ट्रो मतलब पराली से चलेगा। जो पराली जो किसान खेतों में जलाता है और जिससे पोल्यूशन होता है, और दिवाली के टाइम आप लोगों ने देखा भी, पूरा इन्वायरमेंट धुंधला हो जाता है, दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल होता है, उसको बचाने के लिए हम लोगों ने ये बॉयलर चूज़ करा है। और मैं चीमा बॉयलर्स का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, जो क्योंकि अभी हमें हमारे ट्रायल रन चल रहे हैं और बड़ा ही सक्सेसफुली वो बॉयलर रन हो रहा है। लास्ट ईयर हमने पराली किसानों से खरीदी है अप्रॉक्सीमेटली 38,000 मेट्रिक टन, जिसकी कमर्शियल वैल्यू अराउंड 10 करोड़ है, जो पैसा सीधा किसानों की के पास गया है। इस साल हमारा टारगेट है 1,25,000 टन पराली इकट्ठी करना। उसके लिए हमने 5 डंप्स बनाए हैं, बरवाला में, मौली एरिया में, शाहबाद में, अम्बाला में, और अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 करोड़ का अमाउंट जो है वो हम किसानों को देंगे जो पराली खरीदने के लिए। तो दोनों बेनिफिट हैं, आप पराली जलने से भी बचा रहे हो और किसानों की इनकम भी इंक्रीज कर रहे हो। लास्ट में आप सबका मैं धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों ने मुझे इनवाइट करा, थैंक यू। सो जितना हमने इनके बारे में जाना है, इससे इतना पता चला है कि एक तो बहुत ही लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है, ये बहुत ही बड़ी बात है, और इतनी उपलब्धियां हैं इनकी, एक बार जरा जोरदार तालियां हो जाए फॉर मिस्टर लोकेश मित्तल, कम ऑन एवरीवन। जी मैं बुलाना चाहूंगी सर, बिल्कुल आप सभी से दरख्वास्त है, एक बार जरा मिस्टर मित्तल जी के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, यहाँ पे आप आए हैं, चार चांद लगा दिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आ जाइए सर, आ जाइए जी, तालियां बजती रहे, शायद कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इट्स अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट, एक बार जरा जोरदार तालियां हो जाए फॉर सर, आइए। इस मीट में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी हमारे भाई इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं उनका तय दिन से बहुत बहुत शुक्रिया, और इस दिन भर की टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लाइनें याद आ गई हैं और मैं बोलना चाहूंगी, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो एक बार जरा जोरदार तालियां हो जाए फॉर मिस्टर मित्तल।